खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। हवा थाना क्षेत्र के ग्राम मलकापुर में महिला की हत्या का खुलासा करते हेतु पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिम कपिल देव सिंह, क्षेत्राधिकारी शाहवाद के कुशल परिवेक्षण में गठित टीमों में सर्विलांस टीम व प्रभारी निरीक्षक शाहवाद शिवशंकर सिंह की टीम ने हत्या का खुलासा करते हुए अभियुक्त सुहेल उर्फ साहिल तथा शाहिद को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा हत्या के मामले में 25,000 के इनामी फरार चल रहे अभियुक्त फरहान पुत्र लड्डन को शाहवाद पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने दोनों मामलों की जानकारी मीडिया को दी। कहते हैं कि 3 दिसंबर को ये ग्राम मलकापुर पड़ता है थाना शाहबाद में, वहाँ एक महिला की डेड बॉडी उसके घर पे चारपाई पे मिली थी, जिसमें कि फील्ड यूनिट के साथ में सभी ऑफिसर्स द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। और उसके तहत जो 3 टीमें गठित की गई थी, हमारे एडिशनल SP और हमारे CO साहिबान और SHO शाहबाद के नेतृत्व में, उसमें जो टीम ने खुलासा किया है उसमें चीज़ें इस प्रकार से निकल के आई हैं कि जो ये महिला थी जिनकी हत्या की गई, जिनका नाम रबिया है, उनको ये सुहेल नाम का जो इसमें मुख्य अभियुक्त है और राशिद, ये पैसे का लेन देन इनका होता था और इसने उधारी का पैसा देने के लिए महिला ने मना कर दिया था। इनको पता था कि इनके पास कुछ पैसा इनके पास है, तो ये रात में इनके यहाँ चोरी से गए थे और उनको पैसा निकालने का प्रयास किया। जब वो जाग गई तो उन्होंने उनका गला दबा दिया, क्योंकि वो पहले से एक दूसरे को जानते थे, तो इनको ये डर था कि पहचान उनकी हो गई है। इन्होंने लकड़ी से किसी से उसका गला दबाया और उसके बाद दुपट्टे से दबाया और ये फिर घर गए और फिर ये वहाँ से फरार हो गए। पुलिस ने इस घटना का बहुत ही कुशलता के साथ इसका अनावरण किया है और जो दोनों अभियुक्त हैं सुहेल और राशिद, ये दोनों आज जेल भेजे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो सुहेल है इसका आपराधिक इतिहास भी है, ये पहले भी गोकशी के मामलों में जेल जा चुका है और ये पिछले कई दिनों से लगातार पुलिस इस पर काम कर रही थी और पुलिस ने अब इसको सक्सेसफुली अरेस्ट करके जेल भेजने के लिए तैयार है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें पुलिस आगे भी प्रिवेंटिव कार्रवाई के रूप में रजिस्टर एक्ट और मोटा एक्ट में भी कार्रवाई करेगी। जी, ये भी थाना शाहबाद से ही संबंधित प्रकरण है। इसमें एक मुकदमा लिखा गया था 5 जनवरी 2020 को और ये अभियुक्त जो 376 का आरोपी था, इसके खिलाफ NW जारी था। ये पिछले लगभग 11-12 महीने से ये लगातार वांछित चल रहा था और बीच में जानकारी मिली थी कि ये सऊदी अरब भी चला गया था और पुलिस लगातार इस पर निगरानी बनाई हुई थी और इस पर इनाम घोषित किया गया था 25,000 का और पुलिस ने इस इनामी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जो हरदोई पुलिस का एक ये मोटो है कि हम महिला संबंधी अपराध में जो वांछित होंगे उनके खिलाफ अच्छे से कार्रवाई, जल्दी से त्वरित कार्रवाई होगी, तो उसी के तहत ये फरहान पुत्र लड्डन, इसको पुलिस ने अरेस्ट किया और इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कितने दिन पहले बाहर से लौटा था ये, अभी इसकी जानकारी की जा रही है कि एग्जैक्टली 31 तारीख को आया है, लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना मिली इसको तत्काल अरेस्ट किया। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।